हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास थर्ड की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर सेकंड हमारा चल रहा है जिसका एक्सरसाइज ए हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज ए के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब उसके आगे हमें बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें बच्चों कुछ चीज़ों पर हमें नज़र डालनी होगी और उन्हें और अच्छे से सीखना होगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको एक एक बातें फिर से बताना शुरू करता हूँ। जैसे मैंने आपको किसी भी नंबर का नेम लिखना सिखाया था, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सिखाया था, बात समझ में आ गई? तो उसी को आज हम बेस बनाकर आगे बढ़ेंगे और एक और चीज़ सीखेंगे। जैसे मैंने कह दिया एक नंबर है हमारे पास, नंबर था मान लो, मैंने कह दिया 2 3 7 5। मैंने कहा इसका नेम लिखो, मैंने कहा इसका नेम लिखो। तो बच्चों इसका आपको नेम लिखना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब आपको इसका नेम लिखना होगा तो आप राइट साइड से इसके प्लेसेज को लिखना शुरू करेंगे। तो बच्चों ये किस प्लेस पर है? ये वंस प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? ये टेंस प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? ये हंड्रेड्स प्लेस पर है। और ये किस प्लेस पर बच्चों? थाउजेंड्स प्लेस पर है। बात समझ आ गई? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब आपको इसका नेम लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, देखेंगे ये 2 किस प्लेस पर है? थाउजेंड्स प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? थाउजेंड प्लेस पर है। तो आप कहेंगे 2000, लिखेंगे 2000, 2000। ठीक है, अब ये 3 किस प्लेस पर है? हंड्रेड प्लेस पर, लिखेंगे 300, लिखेंगे 300, 300। टेंस किस, 7 किस प्लेस पर है बच्चों? टेंस प्लेस पर है। 7 किस प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है। तो आप लिखेंगे 7। और 5 किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर है। तो बच्चों ये लास्ट के दोनों को ना आप एक साथ पढ़ते हैं, 75, क्या लिखेंगे? 75, SEVENTY, 75। ये बच्चों इसका नेम हो गया, बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार बच्चों आप इनका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप इसे नोट करिए, फिर मैं एक नंबर आगे और बढ़ाऊंगा और आपको एक और चीज़ समझाऊंगा। आप इसे नोट करिए, नोट हो गया? तो बच्चों अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे नोट करना कि ऐसे लिखा हुआ है। अगर बच्चों मैं एक नंबर यहाँ पे और इंक्रीज कर दूँ, मैंने कहा 7 कर देते हैं। ठीक है, अब ये किस प्लेस पर आएगा? अब इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये थाउजेंड है, थाउजेंड के बाद बच्चों क्या आता है? 10,000। क्या आता है? 10,000, 10,000। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि सेवन, ये अब देखो, ये भी थाउजेंड, ये भी थाउजेंड, ये भी इसी घर का और ये इसके घर का, बात समझ गए? जब बच्चे दोनों थाउजेंड थाउजेंड हैं तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, बाकी को हम एज इट इज लिखेंगे। मैंने क्या कहा? ये भी थाउजेंट है, ये भी थाउजेंट है, तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, बात समझ में आ रही? और बाकी एज इट इज जाएगा, ऐसे रहेगा। तो बच्चे केवल चेंजिंग कहाँ पर आएगी? इसमें चेंजिंग आएगी। अब ये 2000 पहले था, लेकिन अब ये भी तो थाउजेंट है, तो इसको हम पूरे को एक साथ लेकर चलेंगे, कहेंगे 72,000। क्या कहेंगे? 72,000, SEVENTY, 72,000। बात समझ में आ गई? ऐसे इनका हम नेमिंग करते हैं, ऐसे इनका हम नाम लिखते हैं, बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये था इनका नेमिंग करने का तरीका, इनके नेम लिखने का तरीका। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इन लास्ट वालों को एक साथ लिखते हैं और इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, थाउजेंड थाउजेंड। आगे लैक आएगा, 10 लैक आएगा, तो लैक और 10 लैक वाले नंबर्स को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसे नोट करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ और क्लैरिटी लाते हैं बच्चों आपके लिए। ठीक है, नोट करो, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक नंबर और लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि बार बार लिखता नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे मैं कह रहा हूँ एक नंबर हमारे पास, एक नंबर हमारे पास 5, 4, 3, 2, 1। बताओ बच्चे
वन किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, टू किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, थ्री किस प्लेस पर है, हंड्रेड प्लेस पर है, फोर किस प्लेस पर है, थाउजेंड, फाइव 10,000 प्लेस पर है। तो बच्चे मैंने बताया कि ये लास्ट के जो दो हैं इन्हें आप एक साथ पढ़ते हैं, और ये थाउजेंड ये भी है और थाउजेंड ये भी है, तो इन दोनों को आप एक साथ पढ़ेंगे। बात समझ आ गई? तो आप कहेंगे 54,000, क्या कहेंगे 54,000, तो लिखेंगे 50 54,000 THOUSAND 300, ये थ्री किस प्लेस पर है, हंड्रेड प्लेस पर, तो लिखेंगे 321 TWENTY 21 54,321। मैंने बताया था ना इन दोनों को आप बच्चे एक साथ लिखते हैं, ठीक है? तो ये बच्चों लिखने का इनका तरीका है, आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो बच्चों एक अब बात समझना, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ अब, ठीक है? अब मैं केवल आपको ये दे दूँ, अब मैं आपको केवल ये दे दूँ 54,321, मैंने आपको ये नंबर दे दिया, ये नेम दे दिया, और मैंने कहा इसका नंबर लिख दो। अब मैं उल्टा चल रहा है, ये दे के आपको नंबर पूछ रहा है, तो बच्चों अब आपको ये देकर आपसे नंबर पूछे जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये देकर आपको नंबर पूछा जा रहा है कि इसके बाद कौन सा, इसको हम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, सेम वही काम करना। तो बच्चों देखो, थाउजेंड में क्या आ रहा है 54, थाउजेंड में क्या आ रहा है 54। बच्चों अगर एक नंबर होता तो हम केवल थाउजेंड तक जाते, लेकिन ये 54 कर रहा है, मतलब कि 10,000 को भी इंक्लूड कर रहा है। टू नंबर है ना, थाउजेंड में कितने नंबर आ रहे हैं 54, टू नंबर्स आ रहे हैं, टू डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप 54 ऐसे लिखेंगे 54, ठीक है? एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे 54, 300 तो 100 के नीचे क्या लिख देंगे 3, 21 तो 21 को ऐसे लिख देना। बात समझ में आ गई? ये हो गया बच्चों आपका नंबर, ठीक है? तो इसे भी नोट करो, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें। देखो देखो, अगर अगर केवल ये दिया होता, केवल ये दिया होता, केवल ये दिया होता, लिखा होता 4,321, तो आपको पता है थाउजेंड के नीचे तो हमें नंबर लिखना पड़ेगा। ये कितना है, 4 है, ओनली 4, केवल वन डिजिट आ रहा है इसमें। कितना डिजिट आ रहा है, वन डिजिट। इसका मतलब हमको यहाँ पे लिखना है नंबर को 4, इस यहाँ पे जीरो है बच्चों, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर थाउजेंड में डबल डिजिट आता, डबल नंबर आता, तब एक नंबर यहाँ लिखते, एक नंबर यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पे फोर में तो बच्चे एक ही नंबर आता है, तो फोर में एक नंबर आएगा, तो हमने फोर को यहाँ पे लिख दिया थाउजेंड की प्लेस पर। 300 तो 100 की प्लेस पर कौन रहेगा, 3 रहेगा। 21 बच्चों आपको बताया था कि दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो 21 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो एक और नंबर ले लेते हैं, आप इन्हें नोट कर लो। एक और एग्जांपल, धीरे धीरे समझो बच्चे, भले टाइम वेस्ट होगा लेकिन हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं कह दूं, चलो अब मैं आपके क्वेश्चन ही उठा लेता हूं, मैं आपका क्वेश्चन ही उठा लेता हूं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन को ऊपर लिखूंगा और ये इनको नीचे लिख देता हूं, ठीक है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप आ जाएंगे पेज नंबर
16 पर, पेज नंबर 16 पे आएंगे और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ लिखते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का है बच्चों, लिखा हुआ है नेम, लिखा हुआ है बच्चों के नंबर लिखने हैं, तो नेम लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए 1000 TOUSAND 1620 अब आ जाओ अपने काम पे चलते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया आपको अगर नेम लिखना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस और ये 10,000 प्लेस। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये भी थाउजेंड है, ये भी थाउजेंड है, ये हंड्रेड है, ये टेंथ है, ये वंस है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों नंबर को लिखने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। लिखा वो 1000 थाउजेंड है, कितना है, वन है, तो बच्चे इसमें वन डिजिट केवल आ रहा है, वन में केवल वन डिजिट आएगा, तो आप यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे इसको 1000 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। 600 तो 100 पीछे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 20 अब 20 मतलब कैसे बच्चों कैसे लिखते हैं, 20 तो ऐसे ही लिखते हैं ना, तो इसका मतलब कि आपको 20 एक ही साथ लिखना है, 20 ऐसे लिख देंगे। 20 मैंने बताया था कि इन दोनों को एक साथ लिखते हैं इसलिए 20 लिखा हुआ है। 21 होता तो 1 के नीचे 1 लिख देते हैं, 22 होता तो 2 के नीचे 2 लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। चलो अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ। लिखा हुआ है 3000, क्वेश्चन नंबर 3 बी है, क्वेश्चन नंबर बी है 3000 3000 469। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी बच्चों। ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है तो इसको मैंने डिलीट नहीं किया। लिखा हुआ है 3000, बचाओ बताओ बच्चों, थाउजेंड तो है, थाउजेंड में तो है और थ्री है, थ्री में बच्चों कितने नंबर आएंगे, केवल वन नंबर आएगा, तो वन नंबर आएगा तो बच्चों हम किसके नीचे लिखेंगे, केवल थाउजेंड के नीचे लिखेंगे, तो 3000। तो बच्चों ये देखो 3000 हो गया कि नहीं हो गया। 400 तो 100 के नीचे कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 69 तो बच्चों मैंने बताया था इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं ना, तो ये हो जाएगा 69। लास्ट के दोनों नंबर्स को बच्चों हम एक साथ पढ़ते हैं, 3400 69, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। बात समझ आ गई। तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी भी नोट हो गया, आप इसे नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। टेंशन ना लो बच्चों, सारे करा दूंगा, आप नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है लिख लो। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है देखो, 5000 बच्चों ये एकदम इजी है, क्वेश्चन नंबर सी आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाओ, आपको भी कुछ होमवर्क मिलना चाहिए ना, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डी करवा रहा हूँ। लिखा हुआ 4008 EIGHT 4008, ठीक है। तो बच्चे क्या करना है, आप लिखा हुआ 4000, 4 में बच्चों कितना नंबर होगा, 1000 तो है, इसका मतलब इन दोनों प्लेस में से कुछ आना चाहिए, लेकिन इसमें 4 है, केवल 1 नंबर है, तो 1 नंबर को हम 1000 के नीचे लिखते हैं,
तो लिखेंगे 4000। अब बच्चे लिखा हुआ है 8, बच्चों 100 प्लेस पे कुछ दिखा रहा है, कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम लिख लेंगे 0। बस समझे। अब बच्चों मैंने बताया था इन दोनों प्लेसेस पे जो नंबर है उनको एक साथ लिखते हैं, लेकिन लिखा हुआ केवल 8, तो बच्चों आप 8 यहाँ मत लिख देना, अगर आपने 8 लिखा तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ जाएगा, तो ये 80 हो गया, ये 8 नहीं हुआ। तो बच्चों ध्यान रखना, जब केवल सिंगल नंबर लिखा हुआ है, अगर 82 होता तो 82 ऐसे लिख देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल 8 लिखा हुआ है, अगर आपने यहाँ पर 8 लिख के यहाँ पर 0 लगाया तो इसका मतलब ये 80 हो गया, लेकिन हमको लिखना क्या है, 8 लिखना है। तो बच्चों आप जब सिंगल नंबर होगा तो आप 8 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0। ये खास बात थी इस क्वेश्चन में। अब ये हुआ 4008, बात समझ आ गई, ना इसमें टेंस प्लेस है ना इसमें हंड्रेड प्लेस है, बात समझ आ गई। खूबसूरत क्वेश्चन था बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ मैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6202, बता दो इसको भी, नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर ई आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर एफ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर एफ पे आ जाओ। लिखा हुआ है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर एफ 7050। देख ले बच्चे 7050, ठीक है, 1000 पे प्लेस पर कुछ तो है, क्या है, 7 है, 1 नंबर है, तो बच्चों इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है मुझे लग रहा है आपको, आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। तो बच्चों 7000, तो 1000 के नीचे क्या लिख दो, 7 लिख दो, 1000 के नीचे क्या लिख दो, 7 लिख दो। बच्चों 10000 मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया आपके, मुझे लग रहा आपके यूज का नहीं था ये 7000 के नीचे क्या लिख दिया, 7000। 50 कैसे लिखा जाता बच्चों, 50 तो ऐसे लिखा जाता ना, 50 ऐसे लिखते हो, तो 50 बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, तो 50 को आप यहाँ पे पुट करना, 100 पे तो कुछ है ही नहीं, 100 पे तो कुछ है नहीं, तो 100 पे आप 20 फिल कर देना। बच्चों आपके मन में आ रहा होगा सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, कि मैंने 50 बोला था ऐसे लिख दो, तो बच्चे ये 50 नहीं हुआ, ये केवल 5 हुआ, 50 लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 50, बात समझ आ रही है। तो बच्चों ये हो गया आपका 7050, नोट कर लो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों जी खुद करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर एच पे आ जाओ, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 9050, बस यहाँ पे 9 आ गया है, कुछ भी नया नहीं है बच्चे, 9050। देखना मेरे लाल क्या है, 9000, 1000 के प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 लिख लो। 50 के प्लेस पे क्या आएगा भाई, 50 ऐसे लिखते हैं नहीं, ठीक है, ऐसा तो लिखते ना, ये 5 है बच्चों, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे 5 और 0। अब बच्चों ये प्लेस खाली है तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, बात समझ में आ गई, ये हो गया। ये हो गया बच्चों हमारा रिप्रेजेंटेशन नंबर्स का, बात समझ आ गई। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इन्हें डिलीट करता हूँ और आप आगे नोट करेंगे, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों मेरे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखना,
लिखा हुआ बच्चों राइट द मिसिंग नंबर्स, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस परेशान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। लिखा हुआ राइट द मिसिंग नंबर, क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, लिखा हुआ 5000, 5000 कॉमा 5001, 5001 कॉमा 5002, यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा लगा के बच्चों कुछ नंबर तक ऐसे ऐसे कर दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर खुद फिल करना है। चलो अभी फिल कर लेंगे हम, कोई भी बच्चों वाली काम है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखना, 93 10, 93 10, फिर उसके बाद कोई नंबर यहाँ फिल करना है, फिल करना है, फिल करना है, ठीक है। अब दिया है 1 2 3 प्लेसेस के बाद 914, 9314, फिर आपके बाद 1 2 3 प्लेसेज आपके छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। अब बच्चों वन क्वेश्चन मैं और लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही तरीके हैं। 7112 कॉमा दिस दिस दिस, चलो कुछ भी नहीं है बच्चों इन क्वेश्चंस में, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया है। बच्चों आपको पता है नंबर्स को हम लिखते हैं, नंबर्स रुकते नहीं, नंबर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, कहीं भी आप नंबर लिख लो। तो बच्चों ये कितना है, 5000 है, 5000 के बाद क्या आता है, 5001 आता है। जैसे हम लोग गिनती पढ़े 1 2 3 4, तो वही गिनती पढ़नी है अब 5000 के बाद, 5001 5002, तो अब क्या आएगा 5003, फिर क्या आएगा 5004 5005 5006 5007, बस ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा, फिल कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9310, अब क्या आएगा, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो अब लिखेंगे 9311, फिर क्या आएगा 9312, फिर क्या आता है 9313, यही तो आएगा। उसके बाद क्या आएगा 9314, ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर 9315, उसके बाद क्या आएगा 9316, यही आएगा। उसके बाद क्या आएगा 9317, बात समझ में आ गई। ऐसे बच्चों आप सो ऑन फिल करते चले जाएंगे, बच्चों नंबरिंग करना है, केवल काउंटिंग नंबर्स को लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। 7112, 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, तो लिखेगा 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, बस बच्चों ऐसे ही नंबरिंग करता है, लिखते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इन्हें, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ बाकी सारे क्वेश्चन। बच्चों जो आप इसमें और बच रहे हैं वो आप खुद ही कर लेंगे, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फोर में क्वेश्चन नंबर एफ तक आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर रहा हूँ। चलो लाल आ जाओ, मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव बच्चों देखो, जैसे मैं अगर मैं गिनती लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो मैंने यहाँ तक गिनती लिख दी, तो बच्चों मैं कहूँ फोर के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है, फोर के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है, तो ये कहोगे सर फोर के जस्ट बिफोर में 3 है, लिखेंगे जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। बच्चों 4 के बिफोर में तो 2 भी है,
बिफोर मतलब पहले, फोर के बिफोर में टू भी है, फोर के बिफोर में वन भी है, अगर जीरो होता तो जीरो भी होता, फोर के बिफोर में कौन होता, जीरो भी होता, लेकिन जस्ट बिफोर बच्चों केवल थ्री आए। जस्ट बिफोर मतलब ठीक पहले, ठीक पहले का मतलब तुरंत पहले। अगर मैं कह दूँ बच्चे इसके पहले आप किस क्लास में थे, तो बच्चे आप कहेंगे सर मैंने तो टू भी पढ़ा हुआ है, मैंने फर्स्ट भी पढ़ा हुआ है, मैंने नर्सरी भी पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं कह दूँ बच्चे इसके ठीक पहले आप किस क्लास में थे, तो कहेंगे सर मैं क्लास टू में था, इस बार क्लास थ्री में, तो इसके ठीक पहले आप क्लास टू में रहोगे। तो जस्ट बिफोर का मतलब होता है ठीक पहले, और ठीक पहले में मतलब फोर्थ के जस्ट बिफोर थ्री आएगा। फोर के बिफोर तो टू भी है, फोर के बिफोर तो वन भी है, लेकिन जस्ट बिफोर में कौन आएगा, केवल थ्री आएगा। बस समझ आ गई। ऐसे में कह दो सिक्स के जस्ट बिफोर कौन है, तो कहेंगे फाइव है। सेवन के जस्ट बिफोर कौन है, तो कहेंगे सिक्स है। एट के जस्ट बिफोर कौन है, तो कहोगे सेवन है। बस समझ आ गई। लेकिन मैं कह दूँ फोर के जस्ट आफ्टर कौन है, तो आप कहेंगे सर फाइव है, जस्ट आफ्टर। मैं कह दूँ फोर के आफ्टर कौन है, तो कहोगे सर फोर के आफ्टर फाइव भी है, फोर के आफ्टर सिक्स भी है, फोर के आफ्टर सेवन भी है, फोर के आफ्टर एट भी है, लेकिन जस्ट आफ्टर कौन है, तो फाइव है। फोर के जस्ट आफ्टर कौन है बच्चों, तो फाइव है। फाइव के जस्ट आफ्टर कौन है, तो कहोगे सिक्स है। सिक्स के जस्ट आफ्टर कौन है, तो सेवन है। सेवन के जस्ट आफ्टर कौन है, तो एट है। वन के जस्ट आफ्टर कौन है, टू है। टू के जस्ट आफ्टर कौन है, थ्री है। थ्री के जस्ट आफ्टर कौन है, फोर है। टू के जस्ट बिफोर कौन है, वन है। थ्री के जस्ट बिफोर कौन है, टू है। फाइव के जस्ट बिफोर कौन है, फोर है। बात समझ आ गई बच्चों। वन के जस्ट बिफोर कौन आता है, तो जीरो आता है। बात समझ आ गई बच्चों। इस प्रकार जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लो इसे, नोट कर लिया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फाइव करा देता हूँ बच्चों। देखो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा दिया ये चीज़, बहुत ही डिटेल में बता दिया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव में बच्चों, लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं। राइट द नंबर जस्ट दैट अपीयर्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। एक बात और जान लो, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो लिखा था 1 2 3 4 5 6 7, मैं कह दूँ फोर के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आएगा, फोर के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आएगा, तो बच्चे माइनस वन कर लेना। इस नंबर में जिस नंबर का जस्ट बिफोर नंबर बताना हो, तो उस नंबर में से वन माइनस कर लेना, आपको जस्ट बिफोर का नंबर मिल जाएगा, जस्ट बिफोर के लिए, ठीक है, जस्ट बिफोर। और मैं कह दूँ फोर के जस्ट आफ्टर कौन आएगा, जस्ट आफ्टर, तो बच्चों प्लस वन कर लेना, तो फोर में बच्चों वन ऐड करोगे क्या आ जाएगा, फाइव, जस्ट आफ्टर के नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये बात आप समझना, अगर मैं पूछूं फाइव के जस्ट बिफोर कौन आएगा, तो फाइव माइनस वन कौन हो जाएगा, फोर हो जाएगा। सिक्स के जस्ट आफ्टर कौन आएगा, तो सिक्स माइनस वन फाइव हो जाएगा। मैं कह दूँ टू के जस्ट आफ्टर कौन आएगा, तो प्लस वन कर लेना, टू प्लस थ्री, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। बस समझ आ गई बच्चों। तो चलो ये बात आप समझ लेंगे और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा हुआ बच्चों, मैं सारे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, फाइव क्वेश्चन बच्चों, फोर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको एक क्वेश्चन खुद ही करना है। ये लिखना है बच्चों जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। इसके नीचे आपको नंबर्स फिल करने हैं जस्ट बिफोर वाले, ठीक है। और नंबर्स लिखा हुआ 8 6 8 6 2 7, फिर नंबर लिखा है बी में 9 9 8 4, फिर नंबर लिखा हुआ 5 2 2 9 5 2 2 9, डी में लिखा हुआ 1 1 9 2। तो बच्चों मैंने आपके अभी सिखाया, बच्चे मेरे अभी सिखाया कि जो अगर आपको जस्ट बिफोर का नंबर लिखना हो, तो जिस नंबर के जस्ट बिफोर आपको लिखना हो, उस नंबर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देना, वन घटा देना, वन लूज कर देना। तो बच्चों 8627 है, तो बच्चों 27 के जस्ट बिफोर कौन आता है, 26 आता है। तो आप लिखेंगे 8626, या तो वन सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर आपको काउंटिंग नंबर्स आते हैं, आप मतलब कि अंकों को जानते हैं, गिनती जानते हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस नंबर में से वन सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दो, लिखोगे 8626, ये हो गया बच्चों हमारा जस्ट बिफोर का कॉन्सेप्ट। 84 है बच्चों, 84 के जस्ट बिफोर कौन आता है, वन वन सब्ट्रैक्ट करो, तो आएगा 9983, ये हो गया बच्चों जस्ट बिफोर का नंबर। इसके जस्ट बिफोर में कौन आएगा बच्चों, 5000
529। इसके 29 का जस्ट बिफोर कौन आता है बच्चों? तो कहेंगे सर 5228 आएगा। इस नंबर का जस्ट बिफोर कौन सा आएगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर इसके बिफोर 92 के जस्ट बिफोर 91 आता है, तो लिख लीजिए 1191। ये हो गया बच्चों आपका जस्ट बिफोर का नंबर्स। बच्चे दो क्वेश्चन और हैं, उन्हें आप खुद करेंगे, उन्हें खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी भी क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों आपको जस्ट आफ्टर के नंबर लिखने हैं, ठीक है, ए बी सी डी आपके नंबर्स हैं 6827। क्वेश्चन नंबर बी है 3218। सी है बच्चों 9339। उसके बाद है 9595938। बच्चों यहां पर मैं जस्ट आफ्टर लिख रहा हूं, जस्ट आफ्टर के नंबर, जस्ट आफ्टर। आ जाओ बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने आपको बताया, या तो आप काउंटिंग नंबर से काम चला लो, या तो आप वन प्लस या वन माइनस वाला कॉन्सेप्ट ले लो। तो बच्चों 27 है, 27 के बाद कौन आता है? 28 आता है। या तो आप ऐसे कर लो, या तो इस नंबर में वन ऐड कर लो। जस्ट आफ्टर के लिए मैंने क्या बताया था, प्लस वन करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो 6827 इसके जस्ट बाद का नंबर होगा 6828। यही तो नंबर होगा 6828, यही तो नंबर होगा। अरे भाई 27 में वन ऐड करो 28 आएगा 18। बच्चों 18 में 1 ऐड करो क्या हो जाएगा 19। तो कहोगे इसका जस्ट आफ्टर का नंबर होगा 3219। बात समझ में आ गई, 9339। बच्चों इस नंबर के जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि सर 39 के बाद कौन आता है? 40 आता है। तो कहेंगे सर 9340 ये हमारा नंबर होगा। अब ये कौन सा बच्चा 38 है, 38 के बाद जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? तो बच्चों 38 के बाद आता है 39, लेकिन 5939। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर, नोट कर लीजिए। बाकी दो क्वेश्चन बच्चों आप खुद ही सॉल्व करेंगे, कुछ तो आप खुद भी करिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि नंबर्स को नेम कैसे लिखते हैं, फिर नंबर से नेम से नंबर पे कैसे आते हैं। आपको जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर का ही कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए, बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो बच्चों हमारी और आपकी मुलाकात आपके स्कूल पर होगी, जिसका नाम है SPS विद्यालय, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए और घर पर ही वीडियो देखिए। गुड बाय।